वेलकम टू एवरीबॉडी। वर्तमान पढ़ा दशम श्रेणी प्रथम प्रोज ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड अर्थात भगवान पाखक एक पत्र निवेदन। यार लेखक हूँ जी एल फनिट्स। आम जहाँ भी उच्चारण करा फॉरेन अर्थर तेणुता ना सब एमती आसो आम जमी भी उच्चारण बा प्रोनाउनसीएसन कर। जेहेतु आमे ओडिया स्टूडेंट पिला भावुच कि बोथ ओडिया एंड इंग्लीश दुटा आगे कन्वर्सेशन कले भल लगे एवं आम समस्ते ओडिया कम्फर्टेबल हो पारे। तो एक पढ़ला बेले मुझे स्टेप बै स्टेप ओडिया को अनुवाद करदेवी। तो हाँ या पढ़िया पूर्व आम टे प्री रीडिंग बा देखा ये कौन के विषय लिखा अच्छी। ये कौन होना ये गोटे हाव एवर रिटर्न ए लेटर गॉड। तुम्हें केवे गॉड पाक चिठी लिखिच कि जदि लिखिना किए जमी चिठी लिखी कि जदि लिखी कौन लिखी ठीक अच्छे एवं कहीं लिखी मुझे लिखला भगवान को पाई कि ना एवं ताकू फिर रिटर्न में कौन पठे कि ना ता विषय में डिटेल्स पढ़ा। तो चलते आम पढ़ा आरंभ करवा पाठ गुड़ा। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अर्थात गोटे एंटायर वैली गोटे उपत्यकाटे कौड़ी ना द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल अर्थ कहले गोटे पहाड़ टॉप। क्रेस्ट मतलब कौन क्रेस्ट मतलब होउछि एठी लिखा जे टॉप और द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ए हिल ठीक अच्छे। गोटे चूड़ बा गोटे अग्रभाग गोटे पहाड़ अग्रभाग केवल गोटे घरटे गोटे घरटे अच्छी ठीक अच्छे। नेक्स्ट पढ़ा फ्रॉम द हाईएस्ट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट ठीक अच्छे। एथर अर्थ हो कौन फ्रॉम द हाईएस्ट वुड वन सी द रिवर से उच्च टॉप जड़े कौन ता जो पहाड़ को दे जा गोटे नदी बा रिवर हो कि शस्य उत्पादन करते लोक से आराम से डटेड हो फ्लावर्स जो फसल जो विभिन्न प्रकार फूल फसल है से मत आराम से देख डटेड मानते स्कैटरिंग होच्छुत भाव में अच्छी से तेज़ आराम से ऊपर देखिए पहाड़ उपर समेत आम देखिपर क्लीयरली ठीक अच्छे। देन द ओनली थिंग यार्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर और आटलिस्ट ए सावर ठीक अच्छे। केवल से जगह पर कौन आवश्यक अच्छे ना किसी वर्षा हेवी वर्षा बा किसी सावर किसी व्वाटर बा किसी वर्षार आवश्यकता अच्छी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंको लेंको ये किए ना अर्थर जहाँ विषय लिखुंट गोटे फार्मी लेंको इजे जाने इज ए फार्मर लिखा है जो ऊपर लेंको इज ए फार्मर राइट्स ए लेटर टू गॉड आक्सींग ए सम ऑफ मनी ठीक अच्छे। से कौन पुरुष अटे बहुत सरल शांत स्वभाव है से लेंको कौन कौन थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हाड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काय टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। से लेंकर घर टप उपर अच्छे पहाड़ उपर अच्छे सी सब देखे उपर ता फसल को एवं इंटीमेटली अर्थ क्लोजली फ्रेंडली ठीक अच्छे। हाड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काय टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट आड़ को बा नॉर्थ कहले कौन उत्तर पूर्व दिग आड़ कौन करे से चाह रही केत वर्षा हे के ठीक अच्छे से चाह रही। नाओ नेक्स्ट पाराग्राफ पढ़ा नाओ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन एटी ओमैन जन आने पत्नी कह पार ठीक अच्छे। से कौन 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 कि ना वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर आम बर्तमान किसी जलर आवश्यकता अच्छी। द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर सुपर कले आम रात्रि जो रात्रि भोजन करवा डिनर जे आड़े परसु था खाद्य एवं डिनर पर से रात्रि भोजन पर से खाद्य परसुता लेंक सहित कथ होता कौन कथ ना आम कि पा दरकार है त
ତାପରେ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ବର୍ଷା। ଦ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱାର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ସ୍ମଲର ୱାନ୍ ୱେଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ନିୟର୍ ଦ ହାଉସେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ କଲ୍ଡ ଦେମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଦି ଫର୍ ଡିନର। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ତା ସହ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ପିଲା ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସାନ ପିଲା ସ୍ମଲର ୱାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ବଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଓଲ୍ଡର ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ସବୁ କଟା କାମରେ ଖଟୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାନମାନେ ସେମିତି ବାହାରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାମା କି ମଦର ବା ମମି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଡ୍ ମିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଙ୍କୋ ହାଡ଼୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍। ଏଇ ସମୟରେ ବା ଏଇ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସମୟରେ ଲେଙ୍କୋ ହାଡ଼୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ଼ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ଼ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଆଗୁଆ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏର ଅର୍ଥ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫର୍ ଟେଲ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଫ୍ୟୁଚର ବା ଆଗକୁ କିଛି ଘଟିବା ନେଇକି ଆମେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା କରିବା ଜାଣି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଙ୍କୋ ହାଡ଼୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। ଲେଙ୍କୋ ହାଡ଼୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ବିଗ୍ ଲେଙ୍କୋ ହାଡ଼୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍। ଲେଙ୍କୋ ହାବଳେ ଭାବେ କି ଆଗକୁ ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି କାରଣ ଜାଣିପାରୁଛି କାରଣ ପାଗ ଦେଖିକି। ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ଼୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ। ସେ ଦେଖୁଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ଼୍ସ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରୁ କ୍ଲାଉଡ଼୍ସ ବା ବାଦଲଟା ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ବର୍ଷା ହେବ। ଦ ଏୟାର୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସୁଇଟ୍। ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ତମର ସୂଚନା ଆସେ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ ଫ୍ରେୟାର୍ ଏସ୍ ଦେ ଏୟାର୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆକାଶ ଟିକେ 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 କ'ଣ ଅଛି ପବନଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସୁଇଟ୍ ପବନ ଆସୁଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ନୋ ଅଦର୍ ରିଜନ୍ ଦାଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ଭାବୁଛି କି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ମନ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛି କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଦେୟାର୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେଣ୍ଡସ୍ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବର୍ଷା ବା ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିନଥିଲା। ଦେୟାର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ନା କୁଆପଥର ଏରେ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ କହିଲେ ସେ କୁଆପଥର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୁଆପଥର ସେଦିନ ବର୍ଷୁଥିଲା। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ 5। ଏତ ମାନେ କ'ଣ ତ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent ସେଣ୍ଟ ମତଲବ କଏନ୍। ତ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ବା ଆଇସ୍ ପଡ଼େ ସେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଭଳିଆର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent କହିଲେ ଠିକ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି ଯେଉଁ କୁଆ ପଥର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା 10 coins ସେ ତା ଭାଷାରେ ସେ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ 5। ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ 5 କହିଲେ ମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଇସ୍ଟା ସେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଭଳିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଏବେ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି କ'ଣ ୱିଥ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି ୱିଥ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହି ରିଗାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡ୍ରପ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହି ରିଗାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡ୍ରପ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ତୃପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା କି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଏବେ କ'ଣ କହିଲା ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ନା ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଫୁଲ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଫସଲ ତା'ପରେ କ'ଣ କଭର୍ କରିଦେଲା ପୁରା କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷା
बट सडनली ए स्ट्रंग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल। हठात कौन था एक स्ट्रंग वाइंड गोटे पवन जोर बेगर बोहला एवं एलो विथ रेन वेरी लार्ज बहुत जोर हिल स्टोन कहले कौन जो कुआपत्थर बर्षा जो जोर कुआपत्थर आइस बर्षा जो होला आरंभ हो गला। ठीक अच्छे दिज ट्रुली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स ताने कौन जो कुआपत्थर कौन कॉइन लगे थप 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 ही पड़ चलला। ठीक अच्छे द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन तो पिला मैंने कहना बाहर को बाहर आसा पवन एक्सपोजिंग मैंने बाहर आसवा रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स ये जो धरा जो बरफ पड़ा था मुक्ता भाला पड़ा से गोटे को आरंभ करदे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ जहाँकि मत खराब सूचना एक्सप्लेन द मैन मैन टी एक्सप्लेन एक्सक्लेम कला आश्चर्य होगा कहीं आई होप इट पासेस क्विकली से भावुला कि बर्षा टी हो पलब बट इट डिड नॉट पास क्विकली जमा छाड़ू ना पर फर आन आवर द रे हेल रेन ऑन द हाउसेस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली किंतु कौन गला ना जब घंटाए बर्षार सब आड़े कौन होगा नष्ट हो गला कहीं आईस खाली पड़ बरफ कुआपथर वर्षा होबार कुआपथर वर्षा नष्ट हो गला द फील्ड वाज व्हाइट आज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट जमती कुआपथर पड़ला पर कौन है ना सबुटा कौन है ना लुण भाया कवर हो गला। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट लाइन पढ़वा नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज गोटे पत्र भी रहा ना द कॉर्न वाज टोटाली डिस्ट्रॉय मैं नष्ट सब फसल नष्ट सब शस्य नष्ट हो गला द फ्लावर्स वी आर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स फूल सब झड़गला लेंको सोल सोल मैंने आत्मा लेंकर आत्मा बहुत कौन होगा वाज फील्ड विथ सैडनेस बा दुखर भरीगला हुए एंड द स्ट्रॉन्ग हार्ड पास्ट ही स्टूड द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड से टू हिज सन्स जितने से झड़ बसा छाड़गला से मझीरे छिड़ाला फसल मझीरे और पु मान कहला ए प्लक ऑफ ए एटा होची PLAUG आपको आम कहीपर ए प्लेग ऑफ लोकोस्ट ए प्लेग ऑफ लोकोस्ट कहला कि क्षतिकारी जंतु बा कि जो आम वर्षा पर जो विभिन्न प्रकार पोक छिंटिका भाया वुड हाव लेट मोर दैन दिस से मैं प्राय सब खाईगले द हेल हाज लेफ्ट नथिंग ये जो वर्षा किसी भी रखिले ना दिस इयर वी विल हाव नो कॉर्न कहला यही वर्ष आम कि खायाक पाइबानी शस्य पाइबानी दैट नाइट व्वाज ए सोल फुल वन सरी सोरफुल वन सोरफुल कले दुख अनहापी थी दुखी थी कहीं फसल सब नष्ट हो जाए अल आवर वर्क फर नथिंग आम सब कार्य वृथा होगा दे आर बा सब आम परिश्रम वृथा होगा दे आर इज नो वन हू क्या हेल्प अस आम किए भी साज कर गो हंगी दिस योर आम मैंने वर्ष भोकिला रहिबा नेक्स्ट पाराग्राफ देखिबा बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी सॉलिटरी मतलब अर्थ होची कौन एकुटिया बा सिंगल बट द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम द गॉड से एकुटिया हेगला एवं भाविला कि ला केवल भगवान ही एका जी आमको साहय करें केवल भगवान ही आमको सा वर्षा डोंट बी सो अपसेट ताले दुख कहीं करी इवेन थ्रू हिज सीम्स लाइक ए टोटाल लस जहाँ सब नष्ट रिमेम्बर नो वन डाइज फ्रॉम हंगर आम मैंने शुणु कि रिमेम्बर मन रख किए भी मनीष भोक मरबे ना दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर जहाँकि लोक मैंने कहते कि केवे भी भोक मरिया ना ऑल थ्रू द नाइट लेंको लेंचो में जहाँ उच्चारण करपरिया कि फरन अर्थर लेंको थॉट ओनली वन ऑफ होप
से तार गोटे ही आशा था द हेल्प अफ गड भगवान को साहय करेंगे हुज आईज हाज आज ही हाड बीन इनस्ट्रक्टेड सी एव्रीथिंग इवेन ह्वाट इज डीप इन वन्स कन्सीयस। ठीक अच्छे कन्सीयस अर्थ ये कन्सीयस अर्थ हूँ कि एन इनर सेन्स अफ रईट एंड रंग मदा भितर भितर कौन कि कौन हम कौन ना से भावुता है एन इनर सेन्स भितर जो सेन्स अच्छे। ठीक अच्छे अफ रईट और रंग ठीक कि भूल करने शक्ति विचार शक्ति। ठीक अच्छे लेंको वाज एंड ऑक्स अफ ए म्यान लेंको कौन थी ना गोटे खाली कार्य कर खाली खाली कौन कर गोटे खाली खटुला से। ठीक अच्छे ये लिखाही तो मुझे ये करदे लेंको वाज एंड ऑक्स अफ म्यान वाकिंग लाइक एन आनिमल इन द फिल्ड खाली गधा भाला खाली खटुला आम भाषा बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट कि लेखालेखि जानता द फॉलोइंग संडे सी जो आसंता संडे एट डे ब्रेक हि बिगन टू राइट ए लेटर हूँ ही हिमसेल्फ वुड क्यारी टू टाउन एंड प्लेस द मेल सी कौन लेखा पत्रटे लिखिकी सहर को जाकि पोस्ट ऑफिस पाखे पोस्ट बॉक्स रे चिट्ठी बा मेल करदे पठे आसला पोस्ट बॉक्स चिट्ठी पक आसला चिट्ठी से दे आसला इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड कि ना खाली गोटे लेखा थिला भगवान पाखक लेखा थिला कौन एथरे लेटर ए लेटर टू गॉड। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम पढ़ा गॉड ही रोट से लिखला कौन गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी मै फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर से कहला हे भगवान जदि आप साज न करें फैमिली कौन जो भोक आउट आउट हे आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्थ स्ट्रोम से कहला हे भगवान मत 100 pesos पेसोस कहले कौन ना करेन्स अफ सेवराल लैटिन आमेरिकान कंट्रीज से मैंने कौन ना आमेरिका किसी कंट्रीज जोटा कि कॉन मुद्रा करेन्स थाए कौन पेसो से कहला मत 100 pesos जहाँकि आउ थे सो मैंने मंजी बुणी कि आउ थे मैं फसल को बढ़ाई पारे बनई पारि हि रोड टू गॉड ऑन द एनवलप द एनवलप मैंने चिट्ठी कवर उपर द गॉड टू गॉड लिखा होता पुट दि लेटर पुट टू गॉड ओनली से टू गॉड मैं भगवान को देखें लिखा होता पुट दि लेटर इन साइड अब चिट्ठी टे भर लिखा था स्टिल ट्रबुल्ड वेन टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इन टू द मेल बॉक्स एवं से कौन कहला ना सहर को जाकि गोटे कौन कहला गोटे जो स्टाम्प टी आणिकी एथरे ड्रॉप करके कौन मेल बॉक्स पठेदेला वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस ताकू मते के सहायता करले माने पोस्टमैन सहायता करले वन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम इन द लेटर टू गॉड पाखे जो थिले एम्प्लॉय मैंने देखिए हसु था लेटर टू गॉड भगवान रखु चिट्ठी लिखुचे नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन एड ही नोन दैट एड्रेस एभली एड्रेस तो मुझे केवे देखी ना। ठीक अच्छे तो पोस्टमास्टर ए फैट गोटे मोटा था एम एमेबुल एमेबुल अर्थ हूँ कौन एमेबुल अर्थ हूँ फ्रेंडली एंड प्रेजेंट बहुत बंधुत्वपूर्ण भाव में फेलो अल्सो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग हसरु बाहर करके बट अलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस सांगे सांगे हसला सीरीयस होगा एंड ट्रैप द लेटर से लेटर को बाड़ेला टेक्स अन हिज डेस्क एंड कमेंटेड कहला कि व्हाट ए फेथ कि विश्वास आई विश आई हैड द फेथ टू ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर कहला मनुष्य बहुत विश्वास अच्छे। ठीक अच्छे कौन नेक्स्ट पाराग्राफ पढ़वा नेक्स्ट पाराग्राफ दे तो बहुत विश्वास जान पाला कहीं भगवान को चिट्ठी पठे। ठीक अच्छे तापर आम पढ़वा नेवर हाँ स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पंड विथ गॉड आम जो छाड़ी यू स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पंडेंस विथ गॉड करेस्पंडेंस कहला कौन आई एन आक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स
ସେ ଲେଖାଠୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ କି କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତା'ର ଲେଖାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦି ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ରାଇଟର୍ସ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହେଲା ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ହଁ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେ ଯିଏ ଲେଖିଛି ରାଇଟର୍ ଲେଖିଛି ସେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଭାବୁଥିଲା କିଏ ସେ ଲୋକଟି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ, ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କଲା ଆନ୍ସର୍ ଦ ଲେଟର୍, କେମିତି ଆର ଲେଟର୍ ଦେବ, ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ ଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ନିଡ଼େଡ଼୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଇଙ୍କ ପେପର୍। ସେ ଦେଖିଲା କି ଏଇଟା କିଛି ଏଭିଡେଣ୍ଟ ବା କିଛି ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍। ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଠି ଏ ଫ୍ରିମ୍ ଡିସିସନ୍, ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ। ମାନେ ଏଥର ସେ ପ୍ରମାଣ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲା, କ'ଣ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ପାଇବା ଜାଗାରେ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ପେପର୍ରେ, ଗୁଡ୍ ଏ ଫର୍ମ, ଏ ଫର୍ମ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏ ଫର୍ମ ଡିସିସନ୍, ଦୃଢ଼ ଡିସିସନ୍ ଲେଖାଯାଏ। କ'ଣ, ହି ଆକ୍ଟ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ଜି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହେଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଦେଖି ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର, ତ ସୋ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କଲା ନା, କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କଲା କାହା ପାଖରୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ତା ସାଲାରୀରୁ କାଟିକି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ହିଜ୍ ୱେଆର୍ ଓବ୍ଲାଇ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ, ଚାରିଟି ବୋଲେ ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, ଏଇ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପେସୋସ୍। ଯେହେତୁ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପେସୋସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପେସୋସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର୍ ଓନ୍ଲି ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 60-70 ପାଖାପାଖି ହେବ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଠାଇଲେ, ହି ପୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 60-70 ପେସୋସ୍ ସେ ପଠାଇଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ନା, ସେ ଫାର୍ମର୍ ପାଖକୁ। ହି ପୁଟ୍ ଦି ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏବଂ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ର କଭର୍ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଟୁ ଲେଙ୍କୋ ପଠାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାଇଥିଲା, କାହାର ଲେଙ୍କୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଲେଟର୍ କଣ୍ଟେନିଂ କଲେ ଧାରଣ କରିବା, କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗଡ଼। ଏବଂ ଚିଠିଟି କିଏ ଲେଖିଛି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଖାଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଖାଲି ଲେଖାହେଇଥିଲା ଗଡ଼ ଲେଖାହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ପଢ଼ିବା, ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସନ୍ଡେ ଲେଙ୍କୋ କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଏର୍ଲିଅର୍, କିଛି ଭୋର ଭୋର ଉଠିକି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସ ଇଫ୍ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା କିଛି ଲେଟର୍ ଆସିଛି କି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦି ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍, ତାକୁ ଚିଠିରେ ଧରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏକ୍ସପ୍ରିଏନ୍ସ ଦି କଣ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍, ଯାହା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ଚିଠିଟି ଯେ ଭଗବାନ ପାଖରୁ, ସେ କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପରଫର୍ମଡ଼୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ ଲୁକ୍ ଫର୍ମ ଅନ୍ ଫର୍ମଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଡିଡ୍, ମତଲବ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବ୍ରେଭ୍ ଆମେ କହୁଛେ ଏ ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ସେଇଭଳିଆ ଡିଡ୍ ମତଲବ ହେଉଛି ଏ ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଲେଙ୍କୋ ସୋଟ୍ ଲେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବା ଲେଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ପଡ଼ିବା, ଲେଙ୍କୋ ସୋଡ଼ନୋଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଙ୍କୋ ସୋଟ୍ ନୋଟ୍ ଦି ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଂ ଦି ମନି, ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ସରପ୍ରାଇଜିଂ ହେଲା ଦେଖିକି ପଇସା। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ଼୍ ଦି ମନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ଗଣିଲା ବହୁତ ମନ ମନ ରାଗିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିଲା କି ବୋଧେ ସେତିକି ପଇସା ଆସେ ନାହିଁ। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ମେଡ଼୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଭଗବାନ କେବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି। ନଟ୍ କୁଡ୍ ନ କୁଡ୍ ହି ହାଭ୍ ଡିନାଏଡ଼୍ ଏ ଲେଙ୍କୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ଼୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍, ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେତିକି ମିଳିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ପଇସା ଆସିଛି।
Immediately, Lenko went up to the window to wax for paper and ink. ठीक अच्छे कौन हला ना इमिडिएटली से कौन कला ना तो झरके पाक जाए कि किसी पेपर आउ पेन आनला ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल कि लिखिदेला ही स्टार्टेड टू राइट से लिखी लगी कागज रे विथ मच रिंकिल ऑफ हिज ब्रो रिंकिल कल तो मुहटा टिके कौन हला तो आंबला हला जंदी हमर जंदी मुहटा दुख रे बुढ़ा बेल टिके लुच्चा कुचा हे जेंदी हला एंड मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस आइडिया ता आइडिया जो थिला से लिखिला कौन पई से लिखि आउ थरे से लिखिला कागज रे एवं व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प स्टैम्प किने के आले एवं उथि ही लिड लिड कहले अथि कोन हम जो छिप हाथ रे मारि गणु छी एंड देन आफिक छिप मारि कि अठाटे मार देला गोटी एनवेलप रे एंड विथ ए ब्लू ऑफ हिज फास्ट द मोमेंट द लेटर The moment next line लिखिया the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to the open it is said है postmaster पाख को न जाकि कौन कल से निजे लिखला एवं God of the money that I asked for only 7 pesos reached me से कहला जहाँ पा भगवान मुझे पठे थी 70 pesos मात्र आसी ठीक अच्छे एवं मेलबॉक्स जाए पठेदेला सेंड मी द रेस्ट सीन्स आई नीड इट वेरी मच मतलब परवर्ती समय रे आपन शीघ्र पठान मोर आवश्यक अच्छी बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लिंको आउ कौन लिखा था ना कहला कि ये जो लेटर को मत बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स कहला मेल रे आपण पठेबे नाही ए लेखाटे काहेकि ना पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयमेंट अच्छा से मतलब काले ए पैसा किसी रखी देते क्रुक्स मैंने कौन डिसऑनेस्ट पर्सन्स और पीपुल कहला असाधु होते कहला पैसा रखी देते कारण मुझे 1000 or 100 pesos आप पठाई 70 काले से रखीदे कि आपड़ मत डायरेक्ट पठेबे अन्य खाद्य पठेबे ना तो ये कौन से लेको गोटे फार्मर विश्वास एवं तार फसल उपरे केमिति नष्ट होतले से केमिति पैसा पेला एउटे डिटेल्स लेखाइतला एवं अर्थर विषय आमे पढिबा जॉर्ज लोपेज फोंटिस 1995 रे 1966 मसे पर्यंत बंचितले वाज ए मेक्सिकन नोबेलिस्ट मेक्सिकन नोबेलिस्ट उन पोएट एंड ए जर्नलिस्ट हला एवं तार से तक रेखले के 15 वर्ष आरंभ करथिले जेबे मेक्सिकन रिवोल्यूशन आरंभ होतला सेबु से लेखा आरंभ करथिले मेनी ऑफ बुक इज आर रिलेटेड टू सिविल कंटेंट लोक मानी ये लेखा था लेखा लेखिल करती हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी गुड़ा बहुत एक्साइटिंग एवं आकर्षण एवं बहुत ह्यूमरस ह्यूमरस कह कौन मैंने उपदेश मिले मेनी ऑफ हिज वर्क्स आर कंसर्ट विथ द ऑपोजिशन ऑफ अमेरिका ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज से सॉरी नेशनल प्राइज से जातीय अवार्ड पाइंट कौन थे आर्ट्स एंड साइंस इन 1935 1935 मसीह से अमेरिका ठारे नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस प्राइज पाइंटे किसी नोट्स एंड ग्लोस आम किसी वर्ड्स मीनिंग पढ़ा क्रेस्ट कले टॉप द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिल उच्च टॉप्रे डॉटेड विथ कले स्कैटर्ड ओवर एन एरिया प्रेडिक्ट कले फॉर द फोरटेल द फ्यूचर आम आगे आशा कर जानपर प्रेडिक्ट मैंने कौन जानपर ड्रेप ड्राफ कहले कभर लोकोट्स कहले इनसेक्ट हुई फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डेस्ट्रॉय क्रॉप्स लोकोट्स कहले किसी जो फसल हानिकारी कीट सॉलिटरी कहले लोन बा सिंगल ऑफसेट कहले डिस्टर्ब्ड बा स्वर दुख अनुभव करा कॉन्शियस कहले एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग निज भावना इनर भावना आम बेक पेश कहले करेन्स ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन एंड कंट्री तो ये आपण मान ए लेटर टू गॉड ठीक अच्छे जार अर्थ होते जीएल फोंटिस यदि आपण मैंने यही कौन शिखिले आपण मैंने कौन शिक्षा पाइले मोराल आप कौन शिखिले आप कमेंट करेंगे किसी वार्ड बुझी नपाल आपड़ा कौन से वार्ड आपड़ा बाकी रही थे बुझीपारे आप निश्चिंत कमेंट करेंगे कि ह्वाट्सअप नंबर नोट कर दिंतु 8339863986 को मेसेज करें आशा करें बुझे
धन्यवाद, थैंक यू ऑल।